तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, देखो यार, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अच्छा क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ साइड एन ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। चलो एक वायर है, इस वायर की रेजिस्टेंस, ये वायर ए बी है, इस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो आर है। अब इसे रेगुलर पॉलीगॉन बनाऊंगा जिसका साइड कितना होगा भाई, एन होगा। तो चलो बना लेते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। अगर यहाँ से रेगुलर पॉलीगॉन बनाता हूँ तो बिटवीन द इक्विवेलेंट टू एडजेसेंट कॉर्नर, अगर मैं रेगुलर पॉलीगॉन बनाऊँ, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, यहाँ से चार साइड, ये पांच साइड, ये छह साइड, और ये डॉट 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 डॉट, ऐसे एन साइड का पैरेलल पॉलीगॉन बनाता हूँ। तो एन साइड का पॉलीगॉन बनाता हूँ तो ये मैं पॉइंट ए बोल देता हूँ और ये पॉइंट बी बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये तो ए और बी के क्रॉस अगर मैं बैटरी कनेक्ट करता हूँ, प्लस माइनस बी वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करता हूँ, तो इसके क्रॉस कितना रेजिस्टेंस बनेगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो चलो मान लो ए बी ज्वाइन कर देता हूँ, हर एक की साइड एन है। तो यहाँ सुन, देखो कि जो दो कॉर्नर है, हर कॉर्नर सिंस साइड इक्वल है और साइड की लेंथ एन है, तो हर एक साइड में जो रेजिस्टेंस डिवाइड होगा वो कितना डिवाइड होगा भाई, कॉमन सेंस की बात है, आर अपन एन होगा। तो ये भी आर अपन एन, ए भी आर अपन एन, और 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 ए भी आर अपन एन। हर एक साइड की जो रेजिस्टेंस हो जाएगी, ये हर एक साइड वायर में रेजिस्टेंस है, उस वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो आर अपन एन आ जाएगा यहाँ से। ये बात तो आपको समझ में आ रहा होगा भाई। तो आर अपन एन इच साइड का बनेगा, ठीक है ना, इक्वल डिवाइड हो गया। अब यहाँ से तुम देखोगे तो इस सर्किट को अगर यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड करते हो, ये वाला पार्ट यहाँ से इस पॉइंट ए और बी के क्रॉस, ये इधर के बाकी ये सारे रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में हैं और ये पैरेलल में हैं। तो अगर ये पैरेलल में हैं तो तुम देखोगे आर अपन एन, ये सारे किस में हैं, सीरीज में आ जाएंगे। तो इनको मैं नाम दे देता हूँ आर वन, ठीक है। तो आर वन अगर नाम दे देता हूँ तो ये, अगर ये जो है ये आर टू दे देता हूँ, तो ये इसका नाम मैं आर टू दे देता हूँ और बाकी इन सब का नाम मैं आर वन दे देता हूँ। तो यहाँ से तुम देखोगे ये जो आर टू है, ये रहा आर टू, तो इसको मैं नाम, जिसका नाम मैं आर टू दिया हूँ, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर अपन एन, और ये बाकी सारे ये वाले जो हैं वो जिनका नाम मैं आर वन दिया हूँ और ये सारे पैरेलल में लगे हैं, तो ए और बी के क्रॉस में बैटरी लगा दूँ, उसका रेजिस्टेंस ना आर वन दिया, तो आर वन की वैल्यू आर माइनस आर अपन आर एन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस आर था, इन सबको सीरीज में जोड़ोगे आर एन एन माइनस वन टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें दिखने लगेगा वो सारी वैल्यू। तो यहाँ से तुम देखोगे इनकी वैल्यू जो आ जाएगी आर, और एन माइनस वन अपॉन एन आ जाएगा, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी तुम देखोगे यहाँ से, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, तो आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी देखोगे तो आर वन आर टू, और यहाँ से आर वन प्लस आर टू के इक्वल आ जाएगा, पैरेलल में है भाई। अब आपको कुछ नहीं करना, इसी को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आर मल्टीप्लाइड बाई एन मल्टीप्लाइड बाई आर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन और डिवाइडेड बाई आर अपन एन प्लस यहाँ से आर आर माइनस वन अपन एन। तो ये जब पूरा सॉल्व कर लोगे तो आर ए बी के अक्रॉस जो दिखेगा, तो यहाँ से तुम देखोगे कि आर ए बी के अक्रॉस तुम देखोगे तो एक आर तो यहाँ से आर निकलेगा और एक आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में जो बचेगा वो बचेगा आर एन माइनस वन, ठीक है, और नीचे में यहाँ से बचेगा एन, देखो एन प्लस यहाँ से एन का स्क्वायर माइनस एन, तो एन एन ए कट गया, ठीक है, और वन अपन, तो फाइनली जो है फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा आर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन का स्क्वायर, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। तो देखते हैं, एन माइनस वन आर अपन एन का स्क्वायर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत हैं।
थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।